कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा, वो नहीं होने देंगे। आप भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। हिंदुस्तान से ट्रेंड अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हुई है। तकरीबन 24 से 25 अफगानिस्तान के मिलिट्री कैडेट हैं जो काबुल में वापस आए हैं। अभी कल परसों हमने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा। वो किस लिए लॉन्च करा हमने? हिंदुस्तान में बात हो रही है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की। हमें चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? हम यूरोप के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मर्तबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। अमरीकी इमदाद की शरायत पर चीन को शदीद तहफ्फुज़ात हैं। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं क्या नाम है पाकिस्तान के खिलाफ तो जाएगा ही जाएगा। और इसके इंडिकेटर्स हमें आज नहीं पहले भी हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर जो रैलियाँ निकली हैं, इवन वहाँ पर मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगवाए गए हैं। तो हमें काबुल की गवर्नमेंट जो है तालिबान की, उन्होंने बिट्रे किया है हमें। और अवाम जोन सी है अफगानिस्तान की, उसका अगर आप उसकी नेचर का एनालिसिस भी कर लें, उसको जानने की कोशिश करें, तो वो भी कोई खास पाकिस्तान के साथ सेंटीमेंटल सतह पर जुड़ी नहीं हुई। आज की तारीख में अमेरिका और रशिया जो भारत की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि भारत उनको योगा सिखाता है या उनको हमारी बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद है, वो इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि $600 अरब हमारे पास है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत में अपना परीक्षण पूरा करने के बाद काबुल लौटने वाले अफगान सैनिक कैडेटों के एक बैच के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। काबुल लौटे लगभग 2 दर्जन अफगान सैन्य कैडेटों ने 11 जून को देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी पास की थी। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार देश में सरकार बनाए रखने के लिए इन कैडेटों के कौशल का उपयोग करने की इच्छुक है, लेकिन वही यहाँ अफगानिस्तान ने भारत से लौटने वाले इन कैडेटों के लिए लाल कालीन बिछाया, वही पाकिस्तान को इस डेवलपमेंट से मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि तालिबान की हुकूमत ने उन्हें धोखा दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि चीन, UAE, कतर और सऊदी कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहे। पाकिस्तानी मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का इलाका है, भारत कभी भी इस इलाके से गुजरने वाले सीपैक को कामयाब नहीं होने देगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर चाइना को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि उसने 60-65 बिलियन डॉलर लगाने हैं इसमें और वो बिल्कुल पीसफुली हो जाएगा, देखिए पीसफुली चाइना को कोई रहने नहीं देगा ये, और ये चाइना जानता है। क्यों चाइना कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी निकाल लेते हैं, हम यहां से भी कर, चाइना इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। जो आर्या साहब ने बात करी, ठीक बात करी, आई एग्री विथ हिम। चाइना ऑप्शंस अपने निकाल रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कल परसों हमने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा। वो किस लिए लॉन्च करा हमने? हिंदुस्तान में बात हो रही है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की। हमें चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? हम यूरोप के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि चाइना की कंटेनमेंट सीपैक में भी होगी, मलाका में भी होगी, हर जगह। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है इसमें, चीन हावी हो जाता है, भारत हावी हो जाता है, अमेरिका हावी हो जाता है, वो तो आने वाली तारीख बताएगी। लेकिन कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा, वो नहीं होने देंगे। आप भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। बाकी चाइना जो है $200 अरब इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, $200 अरब इन्वेस्ट करे, बिल्कुल वो चाइना और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, भारत का कोई लेना देना नहीं है उसमें। लेकिन वो जो मैंने 1994 का हवाला दिया था, जो हमारे पार्लियामेंट का, भारत मानता है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत की टेरिटरी है, वहां से चीन आएगा तो चीन को इसके रिपरकशंस होंगे, और जितना सीपैक है ना उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है, भारत के साथ हर साल हमारी 125 अरब की ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। तीसरी बात, जो औरिया साहब ने बोला ना कि अमेरिका यही चाहता है कि लोग खरीदें हथियार, जाहिर सी बात है अच्छे हथियार हैं, लोग खरीदेंगे और क्यों ना खरीदें, मतलब ठीक बात है, हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी तेजस जहाज है जो लोग खरीद रहे हैं, हम भी हथियार बेच रहे हैं, ऐसी बात नहीं। सिर्फ अमेरिका बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, अब इंडिया भी लग गया, इंडिया भी बेच रहा है। कहने की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क की, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हम अमेरिका से भी हथियार खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे, चीन से इसलिए नहीं खरीदेंगे चीन के हथियार नकली हैं बिल्कुल। तो वी डोंट बिलीव, हमारे यहाँ कहते हैं चीन के बारे में, आई डोंट नो आपको इसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता है कि नहीं, इंडिया में बड़ा मशहूर है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक,
चीनी माल के लिए कहावत है एक, तो वी डोंट ट्रस्ट, और चाइना हमें बेचेगा भी नहीं हथियार, ना हमें चाइना से चाहिए, क्योंकि चाइना से अच्छे अच्छे हथियार वेस्ट से मिल रहे हैं, राफेल ये सब मिल रहे हैं आपको, यूरो फाइटर मिल रहा है आपको, ग्रिपन के हैं ये सब एयरक्राफ्ट है, तो वी डोंट नीड चाइना, बट यस चाइना के साथ हमारी ट्रेड है। एक बात जो कही ना ओरिया साहब ने, बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या भी यहां पे आते हैं, 1971 की जंग हुई थी उसके कई वजूहत थे, उसमें से एक रीजन ये भी था, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी स्पीच है, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, वो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं, उन्होंने उस समय स्पीच दी थी जंग से पहले, और ये जंग तो हुई थी दिसंबर में शुरू हुई थी जंग, लेकिन उन्होंने ये स्पीच गर्मियों में दे दी थी, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में, अगस्त तक उन्होंने स्पीच दे चुके थे कि असली जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे बंगालीज जो हैं वो लाखों की तादाद में भारत में आ रहे हैं, उस जमाने में उनका ये था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पाक फौज वहां पे जुल्म कर रही है, फिर वही बात होमोदूर कमीशन रिपोर्ट, जिसके कुछ कुछ अंश मिलते हैं, बाकी तो हमने कभी नहीं पढ़ी होमोदूर कमीशन रिपोर्ट, हमने नाम सुना है उसका, बट वी आई हैव नॉट पर्सनली रेड इट, तो मैं कह नहीं सकता, मुझे लगता है कि डीक्लासिफाई अभी तक नहीं हुई है, इतना मुझे पता है उसके बारे में कि डीक्लासिफाई नहीं हुई है। अच्छा, ये जो बात इन्होंने कही ना कि अमेरिका, देखिए बात यह ना कि अमेरिका हर एक मुल्क को डील करना है दूसरे मुल्क के साथ, तो हमने ईरान के साथ तेल खरीदा, ईरान से हमने तेल लिया जब ईरान के ऊपर शदीद सैंक्शंस थे, क्यों, हमें जरूरत नहीं थी ईरान से तेल खरीदने के, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सऊदी से हम तेल खरीदते हैं, उस समय ईरान कितना सस्ता दे रहा, 10% 20%, हमारा तो ऑलरेडी चल रहा था वहां से तेल का सऊदी से, और चल रहा है आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से चल रहा है। हमने ईरान से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका ने बोला था मत खरीदो। देखिए इसमें भी एक देयर इज अ जियोपॉलिटिकल थिंग, आपको अपने आप को खुद मुख्तार अगर दिखाना है तो फिर आपको थोड़ा सा खून बहाना पड़ेगा, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें और खुद मुख्तार आप बने, तो आपको करना पड़ेगा। अमेरिका कितना लेट गया सामने किया, कैट्सा लगा देंगे, कैट्सा आपके ऊपर लगा देंगे सैंक्शन, लगा मतलब तुम्हारी, देखो तुम्हारे सैंक्शन तुम्हें लगाने हैं, तुम लगा दो। आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर जो है वो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। आज की तारीख में अमेरिका और रशिया जो भारत की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि भारत उनको योगा सिखाता है या उनको हमारी बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद है, वो इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि $600 अरब हमारे पास है और उनको उनमें से कुछ पैसा चाहिए। ये दुकान है बहुत बड़ी ना, दुनिया मंडी है, ये सबको चाहिए। और हम सिर्फ अमेरिका से, हम सिर्फ, आखिरी में ये कहूंगा, हम सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहे, ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो इंडिया में नहीं है, और अमेरिका की कौन सी ऐसी बड़ी नामचीन कंपनी है जहां पे इंडियंस उनके बोर्ड में नहीं है, उनके चेयरमैन नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, या उनके टॉप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं है। हमने अमेरिका के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया। तो हमें काबुल की गवर्नमेंट जो है तालिबान की, उन्होंने बिट्रे किया है हमें। अगर आपको याद हो, उनकी हुकूमत को फैसिलिटेट करने के लिए जो बुनियादी शर्त थी वो ये थी कि काबुल की हुकूमत TTP को अपनी सरजमीन से ऑपरेट करने नहीं देगी। ये कैटेगोरिक था, ये कोई इबहाम नहीं था इसके बारे में। लेकिन वो ना सिर्फ ये कि काबुल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान के इलाके में आके कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। आप हर रोज़ सुनते हैं, शहादतों का तस्करा भी ISPR की प्रेस रिलीज़ में।